हेलो हेलो, वेलकम टू द गुड फूडी। इससे पहले कि मैंगो का सीजन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, मैंने बनाया ये मैंगो आइसक्रीम वाला डिज़र्ट जो कि इतना यमी बना था। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए मैंने करीब 1 कप कोकोनट मिल्क लिया है। देन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, यहाँ पे ये करीब 1/2 कप है। एंड देन उसमें हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून के करीब मिल्क पाउडर एंड थोड़ा सा स्टीविया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब बस इन चीज़ों को लेके अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके मैंने यहाँ पे केक टिन में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। आप कोई भी टिन यूज़ कर सकते हैं। अब उसी ब्लेंडर जार में मैंने फिर से और थोड़ा सा क्रीम ऐड किया, साथ में ऐड किया थोड़ा सा स्टीविया एंड 1 पूरा चॉप मैंगो, 3 से 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर एंड थोड़ा सा दूध। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है ये आइसक्रीम एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे केक टिन यूज़ किया है, आप कोई भी टिन यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम इसे क्लिंग रैप से इस तरीके से कवर कर लेंगे। क्लिंग रैप को इस तरीके से लगाने से इसमें ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और आपका जो आइसक्रीम है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ बनके तैयार होगा। इसे मैंने लेके ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दिया। एक बार ये जम जाए तो मैंने क्या किया, इसको फिर से फ्रिज से निकाला, निकाल के कट कर लिया अच्छे से। कट करके इसे फिर से एक बार मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। ब्लेंडर में डाल के इसे अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लिया। इस तरीके से जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो नहीं बनेंगे। देन मैंने इसे अच्छे से क्लिंग रैप से कवर अप कर लिया एंड फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए फिर से जमने के लिए छोड़ दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 टाइप का आइसक्रीम बनाया, एक है कोकोनट मिल्क आइसक्रीम एंड दूसरा है मैंगो आइसक्रीम, जिसे हम एक साथ जब ब्लेंड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये। मैंगो आइसक्रीम को मैंने फिर से इस टिन में डाल दिया। टिन में डाल के मैंने इसमें थोड़े से चॉप मैंगोज डाल दिए और इसे स्पून से थोड़ा थोड़ा अंदर घुसा दिया ताकि जो मैंगो के पीसेस है वो आइसक्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 से 4 घंटे बाद मैंने आइसक्रीम को निकाला और ये देखिए बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। तो मैंने एक ग्लास ले लिया, ग्लास लेके उसमें सबसे पहले डाला ये कोकोनट वाला आइसक्रीम, देन मैंने इसमें थोड़ा सा मैंगो आइसक्रीम डाला, देन मैंने एक लेयर ऑफ चॉप्ड मैंगोज इसमें ऐड किया और साथ ही में डाला थोड़ा सा चॉप ड्राई फ्रूट्स, एंड देन मैंने इसको फिर से लेयर किया इस कोकोनट आइसक्रीम के साथ एंड थोड़े से चॉप्ड मैंगोज और ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, थोड़े से काजू ले सकते हैं। फाइनली इसको गार्निश किया चॉप्ड मैंगो एंड चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स के साथ और ऊपर डाले मैंने थोड़े से किशमिश, एंड ये मेरा रेडी था फाइनली मैंगो आइसक्रीम वाला डिज़र्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।